हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप सब? और अभी दोपहर हो रहा है और ये इसमें इसमें रख करके अपना काम निपटा रही थी, लेकिन अब इसको लगता है कि नींद आ रही है, क्योंकि ये ऐसा तो चुप रहता है लेकिन अभी ये इरिटेट हो रहा है और लग रहा है कि थोड़ी देर में रोएगा, तो इसे लगता है नींद आ रही है, इसलिए मैं इसे सुलाने जा रही हूँ। और अभी मैं इसको सुलाने जा रही हूँ, तो बाबू सोएगा 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 या हाँ, चलिए आइए चलिए सोते हैं, है ना? कि घूमी घूमी करना है बेटों को, क्या करना है, सोना है कि घूमी घूमी करनी है? हाँ, घूमी घूमी करनी है हाँ बेटू, सोना है। और ये देखिए, ये एक घंटे बाद भी ये सोए नहीं है। मैं इसे लेकर सुला रही थी लेकिन ये सोया नहीं है, तो मैं इसे सुलाने के चक्कर में चाय भी नहीं पी और अभी तक सोया भी नहीं है। शैतान, सो जा मेरा बच्चा। और इसे देख के लगता नहीं है कि अभी सोएगा, वैसे तो थोड़ी देर सो जाता था दोपहर में, लेकिन आज फाइनली बाबू जो है वो सो गया है। तो यहाँ पर उसके लिए सेरेलेक लाए थे, तो इसे एक अलग डब्बे में हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं सेरेलेक। और अभी ये 6 से 12 मंथ का सेरेलेक है, एप्पल वीट वाला है, तो इसी को हम शुरू किए हैं। और पिछली बार भी ये लाए थे तो बहुत चाव से खाया था, और इस बार भी इसी को लाए हैं और ये टेस्टी भी होता है। और इसको ऐसे काट के मैंने यहाँ पे ये दूध का डब्बा है इसी में रख लूँगी। और कार्तिक इस पर जो है वो एक्सपायरी डेट चिपका के रखा है, देख सकते हैं आप ढक्कन में लिख कर इस पर, और सेलो टेप से एक्सपायरी डेट पिछले वाले का किकअप होगा वो रखा था, कि बाबू अगर नहीं खाया और एक्सपायर हो गया तो पता कैसे चलेगा, तो ऐसे इसने रखा है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ सुबह से काम करते करते, तो थोड़ी सी चाय दोपहर में मतलब वो फ्रेश कर देता है। अभी बाबू को सुला करके चाय पीने के लिए बैठी हूँ मैं। पहले मैं उसे सुलाने गई तो सोया ही नहीं, फिर मैं उसे दोबारा सुलाई तो भी नहीं सोया। अब भी थोड़ी देर पहले सोया है, तो मैं सोची कि थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ मैं, क्योंकि बहुत चाय पीने का मन कर रहा था। ऐसे भी ये मौसम जो है ना चेंज कर रहा है, तो ऐसे में कभी ठंडा कभी गर्मी, वैसे सुबह शाम की ठंड है और दोपहर में तो ठंड नहीं है, तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है गर्मी आ गया है तो, क्योंकि बहुत दिन इस बार तो ठंडा बहुत दिन रहा है। और कार्तिक भी स्कूल गया है, उसको भी खांसी हो गया है बहुत ज्यादा, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो गया। ठंडा पानी पिलाती नहीं हूँ उसे, नॉर्मल ही पानी पीता है। अभी आइसक्रीम वगैरह दही वगैरह सब मैं उसे बंद कर दी हूँ। मैं अभी उसका एग्जाम चल रहा है, तो एग्जाम के टाइम में मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ कि उसका तबीयत खराब हो। कल ये दोनों टोकरी लाए हैं खरीद करके, पता नहीं कितने की है तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें कपड़ा रखने के लिए होगा, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं इधर उधर रहते हैं, तो यहाँ इसमें रखे जाएंगे। और इसलिए इसे बहुत गंदे थे तो मैं धो करके इसे और सुखा रही थी। अब ये बाबू यहाँ बेड पर लेटाई थी मैं, तो उसके खिलौने इधर उधर बिखरे थे, तो इसे मैं अपने जगह पर पहुँचा देती हूँ। और ये चूड़ियाँ हैं जो मेरी भाभी ने मुझे दिए थे सिंदूर के साथ, और इसके साथ कपड़े भी थे, तो ये चूड़ी मैं थोड़ी देर के लिए कल पहनी थी, तो इसलिए इसे वापस मैं अपने जगह में डिब्बे में बंद करके रख देती हूँ। ये चूड़ी मुझे काफ़ी पसंद है, वैसे मेरे पास बहुत सारी चूड़ियाँ, तो ये चूड़ी भी अच्छी लगी। और अभी मैं जब
विंटर के कपड़े अंदर रख रही थी दीवान में, तो मुझे एक चीज मिला, ये देखिए ये कार्तिक का है, ये मुझे बहुत पसंद था। बाकी उसके सब कपड़े तो मैं दे दी थी, लेकिन एक दो कपड़े जो था वो मैं उसकी रखी हुई थी। तो ये देखिए कितना सुंदर सा है, ये कार्तिक का है और ये मुझे बहुत पसंद था इसलिए मैं इसे रखी हुई थी। एक ये और एक और है टी शर्ट, वो मैं रखी हुई थी। बाकी मैं अपने सारे पुराने कपड़े यहाँ जो हमारे यहाँ जो आती है उसे हम दे दिए थे, उसके बहुत सारे बच्चे हैं सफाई वाले, तो उसको मैं दे दी थी। लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था इसलिए मैं नहीं दी। डिस्काउंट में चल रहा था तो ये मैं खरीदी हूँ, और इसका प्राइस तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये 50% डिस्काउंट में आया था तो मैंने सोचा कि खरीद लेती हूँ, ये अगले साल काम आ जाएगी, क्योंकि अभी तो ऐसे भी विंटर ख़त्म हो गया है और ये 2 ईयर का है, तो अगले साल तो वो 1.5 साल का हो जाएगा, तो 1.5 साल का हो जाएगा तो ये वाली साइज ठीक रहेगी। और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और ये अभी क्या है ना कि अभी अगर फरवरी मिड जनवरी और फरवरी में आप अगर विंटर कलेक्शन खरीदते हैं तो 50% डिस्काउंट पर मिल जाता है, तो मुझे सही रहता है कि चलो पिक सीजन में खरीदने से अच्छा है कि हाँ जरूरी रहता है तो पिक सीजन में खरीदते हैं। वैसे फरवरी मतलब जनवरी 14 जनवरी के बाद ही मैं विंटर के कपड़े खरीदना प्रेफर करती हूँ, ताकि नेक्स्ट विंटर के लिए। ये बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा बाप पहनेगा इसे तो बहुत स्मार्ट लगेगा। और ये मैं बिग बाजार से खरीदी थी। बाबू यहाँ बहुत चमकीला चमकीला है ना, इसलिए देखता है मजे से, और छूने में लगता है इसको डर लगता है, छूता है किसका बर्थडे का है बाबू? भैया का कि तुम्हारा? इतना तो मुंह घुमाएगा तलाक से मुंह मारते हुए इधर जाएगा। मुंह रगड़ते हुए जाएगा। आपका दाढ़ी ने इसमें चुभ जाता होगा, इसको पता भी नहीं चलता है ना। बोलू कि अरे ये क्या हो रहा है? हाँ खरगोश खरगोश अरे खरगोश। हस्बैंड जब भी कहीं भी बाहर से आते हैं तो सबसे पहले बाबू को गोद में उठाकर उसे घुमाते हैं। और यहाँ पर हस्बैंड जो है वो सब्जी लाने गए हैं, तो यहाँ पे कार्तिक के पास मैं बाबू को छोड़ दी हूँ। कार्तिक पढ़ाई में मशगूल है क्योंकि उसका एग्ज़ाम शुरू हो गया है, इसलिए वो पढ़ाई कर रहा है। थोड़ी थोड़ी देर पे बाबू को भी इंटरटेन कर रहा है, और जब तक ये इंटरटेन करता है तब तक मैं रात का खाना बना लेती हूँ। थोड़ी देर में ही बन जाएगा और ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, तो मैं फटाफट रात का खाने के लिए तैयारी कर लेती हूँ। और कार्तिक को देखिए हमेशा खुश रहता है और बहुत खेलता है कार्तिक के साथ। जैसे जैसे बाबू बड़ा होते जा रहा है वैसे वैसे इसको भी अटेंशन चाहिए होता है। क्या हुआ कि कल रात की बात बताती हूँ मैं, कि मैं जगी हुई थी लेकिन बेड पे नहीं थी, और हस्बैंड जो है वो सोए हुए थे और इसकी तरफ पीट करके सोए हुए थे। इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, इतना ज़ोर ज़ोर से जैसा कि क्या हो गया है। तो बोले कि आप इसको इधर ले आइए जिधर मैं हूँ। तो मैं बोली कि अच्छा मैं आ ही रही हूँ, तो मैं आई तो जैसे ही ये मुझे बेड पे देखा ना वैसे ही चुपचाप खेलने लगा, बस चिल्लाना गायब हो गया, रोना गायब हो गया, ये बेड पे बस खेलने लगा। आजकल ये इसका इस तरह से बदमाशी चाहिए कि पहले तो चाहिए था कि बेड पे कोई सोए रहना चाहिए
तो खेलते रहेगा। अब है कि सोए नहीं, अब जगे रहना चाहिए इसके साथ, तब ये खेलेंगे। ऐसा बदमाशी करता है ये। और देखिए मुझे देख कर कि ये रोना शुरू कर दिया है, और कार्तिक इसको ऐसे खिला रहा है। तो अब मैं जब तक कि कार्तिक खिला रहा है इसे, तब तक मैं फटाफट बस 10 मिनट में यह सब्जी तैयार हो जाती है, और ये टेस्टी भी लगता है बहुत। तो वो मैं बना लेती हूँ। और इसके लिए मैंने सरसों तेल डाला है, और उसमें फिर मैंने राई का और मिर्च का तड़का डाली हूँ, और उसके बाद फिर प्याज डालूँगी मैं इसमें, और प्याज डाल करके इसे फ्राई करूँगी मैं। जब प्याज थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो मैं यहाँ पे लहसुन जो है वो कूट कर इसमें डालूँगी। कूट कर डालने से लहसुन का टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, मुझे लगता है कि काट के डालने के अपेक्षा। तो मैं यहाँ पे कूट के ही लहसुन डालूँगी, और लहसुन मैं थोड़ा प्याज भूनने के बाद इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो लहसुन है ना चिपकता है अंदर में, तो प्याज का भी मॉइस्चर लहसुन का भी मॉइस्चर तो दोनों और ना चिपक जाए, इसलिए मैं लहसुन को बाद में डालती हूँ। और अब मैं इसमें लहसुन में डाली हूँ, और लहसुन डालने के बाद इधर जब तक ये भून रहा है तब तक मैं इसमें डाल देती हूँ, नहीं सॉरी ये टमाटर मैं काट लेती हूँ। तो टमाटर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, टमाटर इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि मूंग का अपना जो एक टेस्ट है ना उसमें टमाटर का खट्टा खट्टापन ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे भी अभी मैंने तो देसी टमाटर सारे आ रहे हैं, तो सारे टमाटर ही मतलब कम टमाटर एक दो टमाटर भी ज़्यादा डालिए तो खट्टे खट्टे लगेंगे, और वैसे भी हम लोग को टमाटर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं सब्जी में भर भर के टमाटर डालती हूँ। और यहाँ पर देखिए हमारा प्याज जो है भून चुका है ऑलमोस्ट, और अब मैं इसमें हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालकर इसे भूनूंगी, और उसके बाद फिर टमाटर डालकर फिर आलू डालकर टमाटर डालकर थोड़ा भूनूंगी, और उसके बाद फिर आलू डाल दूँगा और आलू डालकर थोड़ा सा भूनूंगी, और उसके बाद फिर मूँग डालूँगी, मूँग डाल कर भी थोड़ा सा भूनूंगी, और उसके बाद फिर पानी डाल कर प्रेशर कुकर बंद करके 3-4 सीटी आने तक मैं इसे लगाऊंगी, और उसके बाद हो गया मैं हमारा मूंग। तो अभी तक तो खेल रहा है, और इतने ज़्यादा मच्छर हो गए हैं, बाबू और कार्तिक दोनों खेल रहा है। मन तो करता है कि मैं पूरे टाइम मच्छर नहीं रखूँ दोनों बच्चों को, लेकिन छोटा वाला तो भी रह लेगा, वो भी ज़्यादा देर नहीं रहता है, थोड़ा देर बेड पर सुलाइए ना, जब उसको नींद जैसा आया रहता है तभी सोता है, और नहीं तो फिर इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करता है ना, लगता है पूरे मोहल्ले वाले को इकट्ठा कर लेगा, जैसे बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। और ये देखिए हमारा टमाटर जो है वो ऑलमोस्ट गल चुका है, और मैं इसमें डाल रही हूँ मूँग, और इसके जो छोले बनते हैं तो बहुत टेस्टी बनते हैं, और मूँग ऐसे भी सुपाच्य होता है तो खाते रहना चाहिए। और अभी तक हस्बैंड आए नहीं हैं, और हमारी सब्जी भी तैयार है, तो जब वो आएंगे तो रोटी बना देंगे, और रोटी बना करके फिर हमारा आज रात का थोड़ा सा रेस्ट हो, बाद में जल्दी सोऊंगी क्योंकि दोपहर में मैं सोती नहीं हूँ, और अभी मतलब थोड़ा जल्दी 8:30-9 बजे के लगभग मैं सो जाऊंगी, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है नींद पूरा होने का ये। और दोपहर में ऐसे भी बहुत कम रेयर कस में जब हस्बैंड रहते हैं तभी मैं सोती हूँ, ऐसे नहीं सोती हूँ तो।